आइए इसमें आगे हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल टू यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम परसेंटेज पर क्लिक करेंगे। इसका परसेंटेज यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 80% है तो आपको मिलेगा ए ग्रेड। फिर से इफ आई एफ, ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हम यहां जाएंगे, अगर आपका K3 यानी कि आपका परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो आपको मिलेंगे बी ग्रेड। फिर कॉमा लगाया हमने, फिर इफ दिया और ब्रैकेट ओपन किया, फिर से हम जाते हैं K3 पे, ब्रैकेट ग्रेटर देन इक्वल टू 50, then you will get C grade if argument open K3 greater than equal to 35, then we will get pass, bracket close, comma, फिर bracket open, FAIL fail, bracket बंद, और जितनी बार ये bracket open हुआ उतनी बार इसको close करेंगे। अब enter press करेंगे, देखिए इसका grade आ गया C grade। तो इसी तरीके से हम नीचे सबका भी हम निकाल देंगे automatic, देखिए किसी का B grade, किसी का C grade। अगर मैं यहाँ पे इसके numbers में बढ़ा दूँ 80, 80, 80, 80, 80, ऑटोमेटिक ये ए ग्रेड में आ गए। जैसे हम इसको यहाँ पे 79 करते हैं तो बी ग्रेड में आ गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे हम नंबर को बढ़ाते हैं वो ए ग्रेड में, कम करते हैं बी ग्रेड में, अगर और भी कम किया तो सी ग्रेड में। अगर सपोज ये 35 35 ले लें, 35 35 35 35 35, तो ये देखिए पास है। सपोज जैसे इसको 34 करते हैं, 34 एंटर, ये फेल में आ जाता है। तो इस तरीके से स्कूल का रिजल्ट हम बना सकते हैं और विद इन मिनट बहुत सारे रिजल्ट्स को एक साथ लेके बहुत सारे रिजल्ट्स को हम यहाँ पे मिनटों में निकाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।